हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी होली भी सभी को, और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ पूजा है, जो कि त्यौहार की सबके यहाँ पूजा होती है। और कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ होती है, ठीक है? हमारे यहाँ तो होती है। तो चलिए, अभी हम से डाक के करना पड़ेगा रसोई में काम। तो अभी मैंने सब्जी छौंक दी है, सब्जी बना दी है अभी मैंने, ठीक है? तो देखिए, सब्जी बन चुकी है मेरी। पत्ता गोभी आलू की सब्जी बनाई है, दूध गर्म कर दिया इसमें। अब मुझे लगाना है आटा, पहले आटा लगाती हूँ मैं, ठीक है? चलिए। आटा लगा लेते हैं अभी, और इसमें से ही निकाल लेंगे हम पुए बनाने के लिए। पुए बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो आटा तो मैं लगा रही थी, और इतने में हमें लगानी थी, मतलब रखनी थी होली। तो मैंने कहा मैं तो लग रही हूँ रसोई में, और तू होली का चौक बना करके होली की सजावट कर दे। तो ये नंदू हमारी होली बनाने के लिए गई थी, और नंदू और उसकी अम्मा दोनों लगी हुई थी होली बनाने में। तो ये दोनों बनाने में लगी हुई थी। तो देखिए इन्होंने कैसे होली बनाई। और दोस्तों, किस किस के यहाँ ऐसे होली बनाई जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियों की तैयारी कर ली थी, और पुए बना दिए थे जो कि हमारे यहाँ पूजा में चलते हैं, और ये प्रसाद वगैरह था। और ये पूड़ियाँ बनाई थी पूजा के, इतनी सारी पूड़ियाँ पूजा के लिए थी, क्योंकि इसमें गाय की, ठाकुर जी की, और वैसे हमारे हनुमान बाबा की और माता रानी की, सभी की पूजा। तो ये सारी पूजा की तैयारी चल रही थी। तो ये हमारे यहाँ इस पे मतलब त्यौहार पे होली और दिवाली वाले दिन, वैसे मंदिर पे पूजा करने बस लेडी जाती हैं, घर की पूजा जो होती है वो आदमी ही करती है हमारे यहाँ पे। तो ये कृष्णा और कृष्णा के पापा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा पहले कर चुके थे। और ये देखिए, हमने भी ये घुरघुली भी लगा दी है इस पे, जो हमारे यहाँ घुरघुली बोलते हैं। तो ये भी लगा दें इस पे, और इस पे डाल दिया गुलाल। और मैं जा रही हूँ अब होली की पूजा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने सजावट कर ली है इसमें, और हमारे यहाँ जो चौराहे पर होली रखी जाती है उस पे घर की पूजा करने के बाद में पहले उसकी पूजा करी जाती है, क्योंकि इसी को तो जलाते हैं, इसी से तो घर पे आग लेके जाते हैं। तो मैं आपको आग लगाना तो नहीं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं जाऊँगी अपने मायके आज, तो देखते रहना। तो ये देखिए धागा लपेटा जाता है इसमें, और ये देखिए इसको पूजा करी जाती है, मतलब जो तुम्हारा बनाए अपने रसोई में जो खाना बनता है उसको लेके जाते हैं, हल्दी गुड़ और घी वगैरह लेके जाते हैं, और पानी, और ये धागा लपेटते हैं। वैसे कच्चा सूत लपेटा जाता है, पर हमारे यहाँ कच्चा सूत तो यहाँ पर मिलता भी नहीं है, नहीं हमारे पास भी नहीं है। तो यहाँ सारी लेडियाँ कर रही थी, तो मैं भी करने लग गई। तो ये देखिए, जितनी ही आपका धागा है उतना ही आपका मतलब उसमें परकम्मा लगाते जाओ, पैसे 5 या 7 परकम्मा लगाई जाती हैं। मैंने तो 5 लगाई थी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, वो रील बाल बार 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 मेरे हाथ से निकल के गिर जा रही थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पूजा हमारे यहाँ इस तरीके से करी जाती है। और दोस्तों, अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो को तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ इस तरह से पूजा की जाती है। तो उसके बाद में हम गए थे मंदिर, तो यहाँ पर देखिए भोले बाबा की, और ये अभी नया मंदिर बना है, वैसे तो पुराना था लेकिन बहुत पुराना था, लेकिन इसे रिनोवेशन कराया है अभी, तो और भगवान जी इसमें लगाए गए हैं। तो ये देखिए श्री राम जी का परिवार है, माता राधा रानी कृष्णा जी का परिवार है, माता माता जी का परिवार है, माता जी हैं इसमें, और लक्ष्मी नारायण जी हैं, गणपति जी हैं। और हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं अपने गांव, वहां पर हमें चांद पर पूजा करने जानी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने गांव में। तो ये भी जा रहे हैं हमारे साथ, मतलब हम इनके साथ जा रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल ऑटो कर लिया था, तो हम निकल चुके थे अपने गांव के लिए, जो इनका कृष्णा के बाबा का गांव है, उसमें जो पूजा करने जानी होती है। तो ये देखिए हम गांव की तरफ जा रहे हैं, अपना पर्सनल ऑटो कर लिया था, क्योंकि मुझे और कहीं भी जाना था तो यहाँ पर पहले पूजा करके आनी थी। तो देखिए,
और मैं लाज मार के इस वजह से बैठी हूँ कि इसमें बाबा बैठे हैं सामने, इस वजह से कृष्णा के बाबा हैं वो बैठे हुए हैं साथ में, इस वजह से मैंने लाज मार के रखी है। तो ये देखिए हम पहुँच चुके थे गांव में, और ये ऐसा गांव है हमारा। तो देखिए, और हमें पूजा करनी थी, बाबा साथ में थे, और वहाँ पे जो रहते हैं इनके बड़े भाई वो भी साथ में थे। तो ये कृष्णा बना रहा था वीडियो, मैं कह रही थी अच्छे से वीडियो बना, तो इस पर वीडियो बनाने नहीं आ रही थी, बोल रहा था कि मेरे को नहीं आ रही है, अपने आप बना लो तुम। तो फिर मैंने बनाई थी बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे अभी खुदा हुआ है, ये पीपल देव जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे पितरों के ही पीपल देव हैं, बहुत ही पुराने पीपल देव हैं। और ये भी जा रहे थे, ऊंचा नीचा हो रहा था तो निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं कह रही थी, तो मैं तो थोड़े ऊंचे सैंडल पहन के गई थी, तो मैं कह रही थी तो मैं तो निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं तो गाँव की हूँ भाई, मेरे को तो हील पहन के चाहे खेतों में भी चला दूँ मैं चल जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इधर से हम निकलते हैं इसमें, और ऐसे इसमें कंडे वगैरह भी पात देते हैं लोग, गाँव के लोग हैं जो, और ऐसे ही इसमें निकलते हैं। और ये पेड़ बहुत सारे यहाँ पर आम के पेड़ हैं बहुत सारे हैं, और ये पीपल हमारे ही पीपल देव हैं, ये किसी गांव के और कोई पूजा नहीं करता है, हमारा परिवार ही पूजा करता है पूरा इस पे, और बहुत ही पुराने हैं, मतलब हमारे परदादा के सामने के पीपल होंगे ये। तो थान है ये, थान हमारे यहाँ किस किस के यहाँ थान की पूजा होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए ये बाबा कर रहे थे, बाबा भी कर रहे थे, मैंने भी की थी, और कृष्णा के पापा ने भी की थी। तो ये देखिए यहाँ पर हम जो पूजा पाठ करते हैं, ये आपको पता ही है पशु पक्षी ही खाते हैं, तो ये इन लोगों को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से रूप में कौन आ जाए, कोई पता नहीं है। तो इस वजह से ये मना कर रहे थे, उससे कह रहे थे तू खा ले तू खा ले। तो ये मैंने भी पूजा की थी साथ में, क्योंकि मैं गई थी तो जल वगैरह चढ़ाना पड़ता है और पूजा करनी होती है अपनी, वो पूजा होती है। वैसे तो घर पर पूजा हो चुकी थी पितरों के नाम से, हमने घर पर भी निकाला था, लेकिन वहाँ पे जाना ज़रूरी था। अब मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके में। तो देखिए ये पिल्लों का इतने जमावड़ा, जाते ही मतलब जाते ही एक कुतिया भी आ गई है वहाँ पर हमारे बगल में ही, मेरे मायके में हमारे घर के बगल में ही एक कुतिया भी आ गई है, तो उसके 6 पिल्ले हैं, और कुतिया बेचारी कमज़ोर है बहुत उसने। तो ये देखिए, और ये हमारा बंदर है, ये मेरा भतीजे है, तीनों भतीजे हैं मेरे, ये तीनों मेरे भतीजे हैं, भैया के बच्चे हैं ये तीनों। देखिए ये हमारा छोटा बंदर है, आए बंदर आज देख, आइयो आज देखियो 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 बंदर, और बंदर देखियो बंदर, और बंदर देखियो नंगी पा। तो ये देखिए ये गन्ना खा रहा है, और ये हमारी चुटकी सो रही है, और ये बंदर खेलने में लगा हुआ है देखिए। तो दोस्तों हम आए थे अपने गांव से पूजा करके, वहां पे गए थे हम, मतलब कृष्णा के पापा के गांव में गए थे हम पूजा करने। अब मैं अपने गांव में आई हूं अपने मायके में, ठीक है। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए यहीं पर हम एंड करते हैं ब्लॉग का, फिर कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, एक नई ब्लॉग में, ठीक है। तो टाटा बाय बाय गुड नाइट, अभी रात हो चुकी है 9:30 बज चुके हैं, अभी होलिका दहन नहीं हुआ है हमारे यहाँ पर, अभी होलिका दहन होगा, तो होलिका दहन की दूसरी में आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके टाटा बाय।